सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नेरल जंक्शन। हम लोग जाने वाले माथेरान हिल स्टेशन, वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन, यू कैन से रिमोट हिल स्टेशन है। एक भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है ऊपर, आप सिर्फ हॉर्स से घूम सकते हो या डोली टाइप एक कार्ट रहता है उसमें जाके आप घूम सकते हो। ऊपर एक भी व्हीकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग की जर्नी अर्ली मॉर्निंग 6:41 को स्टार्ट हुई थी। डोमोली से 6:41 की सेकंड खर्जत लोकल थी जो कि हम लोग ने कैच किया था, और वो एग्जैक्ट नेरल 45 मिनट्स में पहुँचाती है। ऑन द वे हम लोग को वंदे भारत एक्सप्रेस भी देखने को मिला, इट्स गोइंग टुवर्ड्स शिरडी, और हम लोग 45 मिनट्स के बाद नेरल जंक्शन पहुँच गए। और यहाँ पे आप टॉय ट्रेन का लाइन देख सकते हैं, टिकट निकालने के लिए इतना रश है बिकॉज इट्स ए सीज़न। यहाँ पे अडल्ट का सेकंड क्लास का प्राइस है 95 रुपीज़, फर्स्ट क्लास का 340, और एसी विस्टा डोम का 750 रुपीज़। नेरल रेलवे स्टेशन, ये टॉय ट्रेन अभी चलने वाली है कुछ ही टाइम में। राइट नाउ इट्स 8:15। मेरे पापा और मेरे मामा आए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ट्रेन से, ये डोंबिवली से 8:25 का ट्रेन था, वो ट्रेन से ये लोग यहाँ पे एक पर्सन को सिर्फ 4 ही टिकट्स देते हैं। हम लोग टोटल है 7 मेंबर्स, इसलिए मामा और पापा दोनों आए। इतना सुबह पहले ट्रेन से आने के बाद भी ये लोग का नंबर 18-19 लगा। ये हिल स्टेशन मुंबई के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही क्राउड रहता है वीकेंड्स में, और अभी तो फिलहाल क्रिसमस वेकेशन चालू है। यहाँ पे टॉय ट्रेन भी है जो 1907 में बना था। ट्रेन में टोटल 6 डब्बे, उसमें से ये है पहला डब्बा, एसी का कोच है, विस्टा डोम कहते हैं इसको। यहाँ पे आपको 2 एसी देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा टीवी है, फैंस वगैरह लगा है दोनों साइड। इस विस्टा डोम में सिर्फ 16 मेंबर्स अलाउड है, एक सीट में 2 जन बैठ सकते हैं, मतलब 16 टिकट्स ही अलाउड करते हैं। इस ट्रेन को माथेरान क्वीन कहते हैं। टॉय ट्रेन एंजॉय करने के लिए बहुत ही लोग आते हैं, सुबह सुबह आके लाइन लगाते हैं। ये दिन में सिर्फ 2 ही बार चलती है। पहली ट्रेन 8:50 को चलती है फ्रॉम नेरल जंक्शन टू माथेरान हिल स्टेशन, 2.5 आवर्स का लॉन्ग जर्नी होने वाला है। आप गाड़ी से जाओगे तो 100 रुपीज लेते हैं वो लोग, अगर आप बाय रोड जाओगे तो आपको 9 किलोमीटर्स का ड्राइव करना पड़ेगा, और टॉय ट्रेन से जाओगे तो टोटल डिस्टेंस है 21 किलोमीटर्स, बिकॉज ये ट्रेन पूरा घूम घूम के जाती है। एंड ये है नॉर्मल डब्बे सेकेंड क्लास के, और लास्ट में है फर्स्ट क्लास जो की एक ही कैबिन है। सो गाइस, राइट नाउ मैं आ चुका हूँ सेकंड क्लास के कोच में, इसमें नॉर्मल सीट्स है कुशन वाले, एंड इसमें आपको वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये है फर्स्ट क्लास का डब्बा, तो पूरा फैमिली रहेगा तो पूरा डब्बा आप बुक कर सकते हो, और पूरा चिल माहौल है, अपने खुद का कैबिन रहेगा, बस एंजॉय करते करते जाओ। आर यू एक्साइटेड फॉर माथेरान जर्नी? टॉय ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं अपने को, क्या लगता है तेरे को? वाई सो? पापा और मामा इतना सुबह सुबह आए टिकट निकालने के लिए। इस टॉय ट्रेन से ट्रैवल करना होगा तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आके सुबह लाइन लगाओ टिकट के लिए, और टिकट स्टार्टिंग में 10-15 जन को ही मिलेगा आई थिंक सो, बिकॉज एक जन को 4 टिकट मिलते हैं, सो 10 जन के हिसाब से 40-50 टिकट इसमें ही पैक हो गया। फाइनली हम लोग को टिकट मिला D3 में, 10-11-12 देख जल्दी कहाँ पे, 10-11-12 यहाँ पे। अरे वाह, विंडो सीट, बैग्स डालो नीचे, सीट्स के नीचे अच्छा खासा स्पेस है, आपका लगेज रख सकते हो नीचे। तो 7 सीट्स होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई थिंक सो, लेट्स सी। अभी मम्मी आ रही है टिकट लेके, तभी देखते हैं, पर कंफर्म मिल गया हम लोग को बिकॉज ये लास्ट कोच है और लास्ट सीट्स हम लोग को मिल गया। अगर आप लाइन में हो गए तो 20 पीपल के आसपास आपको टिकट्स मिल जाएगा इस ट्रेन का, नहीं तो उसके बाद का नेक्स्ट ट्रेन के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो टैक्सी से जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट ट्रेन 8:50 को स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे सब प्रिपरेशन हो गए, इंजन लग गई है। विश्वामा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर स्टैंडिंग 3 आवर्स? इट वाज रियली अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30 एंड आई टुक 5:23 लोकल ट्रेन, एंड फ्रॉम देयर आई रीच नेरल हियर। इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। या यू हैव टू मेक इट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट टिकट्स बिकॉज़ सीट्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है। कुछ ही टाइम में हम लोग सामने वो माउंटेन दिख रहे हैं, ये टॉय ट्रेन ऊपर तक जाने वाली है, पूरा ऐसा माउंटेन क्रॉस कर करके zigzag। अगर आपको टॉय ट्रेन एंजॉय करना होगा तो आप जरूर इस मिनी ट्रेन में सफर करें, इसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, और 2.5 आवर्स 3 आवर्स का जर्नी बहुत ही यादगार होने वाला है। इस
10 टू 2.5 आवर्स क्यों लगते हैं। ये पूरा माउंटेन गोल घूम घूम के ऊपर जाती है माथेरान तक, और ये ट्रेन का स्पीड मैक्स होने वाला है 10 टू 12, जिसके आगे ट्रेन का स्पीड जाता नहीं, और पूरा घाट सेक्शन है, हिली एरिया है। माथेरान जो कि एशिया का एकलौता ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है, और ये स्थित है करजत तालुका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मुंबई के बहुत ही नज़दीक है। माथेरान से पार्ट ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, और ये सबसे छोटा हिल स्टेशन है इंडिया का। सो राइट नाउ वी आर एट जुम्मा पट्टी, यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट्स के लिए, और अगर आपको वॉशरूम जाना रहेगा तो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज 2 मिनट्स का ही हॉल्ट है। इस स्टेशन पे आपको बोर शेंगाना वगैरह खाने को मिल जाएगा, जो कि 20-20 रुपीस में लोग सेल करते हैं। सो यहाँ पे अभी टनल आने वाला है, वन किस टनल। इस टनल का नाम किसने रखा क्या पता, वन किस टनल ऐसा कौन रखते भाई नाम। जर्नी और उसके बाद जुम्मा पट्टी पहला स्टेशन था, और ये है सेकेंड स्टेशन वाटर पाइपलाइन। उसके बाद और एक स्टेशन आने वाला है जो की 45-50 मिनट्स के बाद होने वाला है, वो होने वाला है अमन लॉज। अमन लॉज से 15 मिनट में हम लोग का माथेरान रेलवे स्टेशन आने वाला है। सो ये वाटर पाइप स्टेशन पे आपको खाने के आइटम्स मिल जाएंगे, वड़ा पाव भजी वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक्स और चाय भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी वॉशरूम फैसिलिटीज है, अगर आपको वॉशरूम यूज करना है तो कर सकते हो। वी आर टेकिंग अमूल कूल रोज एंड फ्रूटी पन। अभी ऑन द वे हम लोग को अभी गणपति बप्पा का दर्शन होगा। स्पॉट का नाम है कड़े का गणपति, एक स्टोन पे बहुत बड़ा स्टोन पे गणपति बप्पा का स्ट्रक्चर है, ट्रेन से देखने को मिलता है। अगर आपको वो पॉइंट कवर करना रहेगा तो आपको बहुत ट्रेक करना पड़ेगा फ्रॉम माथेरान रेलवे स्टेशन टू दैट पॉइंट, पर हम लोग कभी गए नहीं है। जब भी हम लोग टॉय ट्रेन से ट्रैवल किए तभी वो पॉइंट कवर करते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच माथेरान स्थित है, जो कि ये समुद्र तट से 2625 फुट ऊपर है। मुंबई से मात्र 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। इंडिया में टॉप 5 टॉय ट्रेन में से माथेरान का टॉय ट्रेन 5वें नंबर पे आता है। एग्जैक्ट 2 आवर्स 40 मिनट्स में हम लोग माथेरान रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पे भी टिकट काउंटर पे लाइन लगा हुआ है। दिन में 2 ट्रेन माथेरान से नेरल के लिए जाते हैं टॉय ट्रेन, इसके लिए ये लाइन लगा है। आप स्टेशन से एग्जिट करोगे यहाँ पे आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा, कि टैक्स 50 रुपीज पे करना होता है। चिल्ड्रेंस का 25 रुपीज है और अडल्ट का 50 रुपीज, माथेरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स। हमारा होटल स्टेशन से कुछ ही मिनट्स की वॉक पे ही है, और माथेरान का वाइब भी अलग है यार। यहाँ की मिट्टी, यहाँ पे पैर रखा तो अलग ही फील आता है, बिकॉज ये है रिमोट हिल स्टेशन, और रिमोट हिल स्टेशन में व्हीकल्स को अलाउड नहीं करते, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक बहुत सारे हिल स्टेशन घुमाऊँ पर माथेरान जैसा वाइब मेरे को कहीं भी नहीं मिला। चलो फिर ये वाला ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत सारे प्लेसेस देखने को मिलेंगे मेरे ब्लॉग में। सो टिल देन बाय, बट सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।